यूपी के 20 जिलों में 800 से ज्यादा अवैध मदरसे चलते हैं, आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। करोड़ों की फंडिंग करने का भी खुलासा किया गया है। बड़ी खबर है, मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 175 मदरसे फर्जी हैं। जल्द योगी सरकार कोई बड़ी कार्यवाही कर सकती है, बड़ा फैसला आ सकता है। आपको उस वक्त की ताजी जानकारी और बड़ी खबर दे रहे हैं कि यूपी के तकरीबन 20 जिले ऐसे हैं जहां पर 800 से ज्यादा अवैध मदरसे हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में सर्वे को लेकर कितना बवाल हुआ था, हालांकि यूपी में सर्वे हुआ, मुरादाबाद में 175 मदरसे ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से अवैध हैं। साथ ही साथ गाजियाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है, 39 मदरसे बताए जाते हैं कि अवैध हैं, सर्वे में खुलासा हुआ। लोनी तहसील के 76 और मोदी नगर तहसील के 5 अवैध मदरसे हैं। गाजियाबाद सदर तहसील में 58 मदरसे ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से अवैध हैं। गोरखपुर के अंदर 142 मदरसों को अवैध पाया गया है। कानपुर नगर में 66 मदरसों का सर्वे पूरा किया गया है, माफ करिएगा, 12 मदरसों की सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है। और अयोध्या में 55 फर्जी मदरसे हैं, रुदौली में 21, मिल्कीपुर में 10, सदर तहसील में 9, बीकापुर में 6 फर्जी मदरसे यानी अवैध तरीके से मदरसे बनाए गए हैं। प्रयागराज में 78 अवैध मदरसे, करोड़ों की फंडिंग इन्हें की जा रही है, यानी तमाम जो मदरसों की बात सामने आई है उन्हें करोड़ों की फंडिंग तो हो रही है लेकिन ये अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं।